अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई एम हेयर विद द न्यू रेमेडी। तो मैं लाई हूँ आपके लिए होममेड राइस फेस वॉश। अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको सन टैन हो गया हुआ है, आपकी स्किन डैमेज हो गई है, आपको डार्क सर्कल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये फेस वॉश आपकी प्रॉब्लम जड़ से रिजॉल्व कर देगा। इस फेस वॉश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल। और जैसा कि आप जानते हैं कि चावल में विटामिन ई होता है, जो कि आपकी डैमेज स्किन को रिकवर करता है और आपके चेहरे पे फाइन लाइंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये फेस वॉश कैसे बनाना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपने इसे यूज़ कैसे करना है। इस फेस वॉश को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक पैन लेना और उसमें आपने एक गिलास पानी ऐड कर लेना। इसके साथ साथ आपने 2 चम्मच चावल का आटा डाल लेना, वो पहले आप पीस के रख लेना और उसमें आपने 2 चम्मच ऐड कर लेने और फिर इसे आपने चूल्हे पे रख देना बिल्कुल हल्की आंच पे, कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसे हल्की आंच पे पकाना, साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा सा ना तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे रखें और बिल्कुल हल्की आँच पे, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी भी ना इसमें हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा आपने हल्की आंच पर रख देना। जब आपको लगे कि ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो नहीं आपने होने देना, तब आपने इसे चूल्हे से उतार लेना और इसे ठंडा कर लेना। पैन उतार के तो साइड में रख दे 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी टाइम लगता है आप इसे साइड में रख दें कि वो ठंडा हो जाए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आपने कोई बर्तन लेना और आपने इसको छान लेना, इसमें जो पानी है वो अलग कर लेना और जो गाढ़ा वाला वो आपने अलग कर लेना। हमें इस फेस वॉश बनाने के लिए इसका पानी चाहिए, तो आपने छाननी से जितना भी है ये अच्छे से छान लेना, उसका जितना पानी निकलता वो आपने निकाल लेना। उसी ही पानी में आपने, मतलब कि वही जो लिक्विड निकला है चावलों का, आपने उसी में ही बाकी सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल ले लेना और एक आपने विटामिन ई कैप्सूल लेना, ये दोनों ही कैप्सूल आपने ऐड करने हैं और दोनों एक एक ही करने हैं। पहले एक ऐड कर लें, उसे अच्छे से मिक्स करें, फिर दूसरा ऐड करें, फिर उसे अच्छे से मिक्स करें, ताकि सारी चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और वो एक अच्छा फेस वॉश बन सके, सारी चीज़ें अच्छा उसका फ़ायदा हो। फिर आपने एक फेस वॉश जो घर में आप यूज़ करते हो पहले ऑलरेडी, अगर आप करते हैं तो कोई भी चल जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ी सी जाग बना सके, सिर्फ चावल जो है वो जाग नहीं बना पाते, इसलिए आपको 1 चम्मच फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा ताकि जाग बने। लेकिन अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है, आप नहीं यूज़ करते, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई भी साबुन है तो आप उसे पिघला के तो उसका 1 चम्मच ऐड कर लें और फिर इस फेस वॉश को या साबुन को ऐड करने के बाद भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि हर एक चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो, सारी कोई रह ना जाए, अच्छे से मिक्स हो के उसका अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा फेस वॉश बने। और फिर आपने कोई भी बॉटल लेनी है जिससे फेस वॉश बाहर निकल सके, कि आप अच्छे से फेस वॉश यूज़ कर सकें। तो अब मैंने ये एक बॉटल लिया है तो इसमें मैंने फेस वॉश स्टोर कर दिया। अगर बॉटल नहीं भी है तो आपके पास कोई भी डिब्बी या कोई भी चीज़ आप उसमें ही रख लें, आप वैसे हाथ से लगा ले लो। लेकिन अगर कोई इस तरह की आपके पास बॉटल है तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, कि आपको रोज़ हाथ से नहीं लगाना पड़ेगा, ये अच्छा रहेगा। तो इसके फ़ायदे इस फेस वॉश के मैं बता दूँ आपको कि क्या है। इससे आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को डार्क सर्कल्स है या आपको आपकी स्किन डैमेज है, आपको स्किन टैन है या कोई भी मसला है, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व करना शुरू कर देगा और रेगुलर यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो बात कर लेते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपने जब सुबह सुबह उठना है तो अपने हाथ और मुंह धो लेने हैं और धोने के बाद आपने हाथ भी और मुंह भी दोनों ड्राई कर लेने और फिर ये फेस वॉश अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादा गीले हाथों पे ये सही जाग नहीं बना, तो ज़्यादा गीले ना हो ना ही ज़्यादा ड्राई हो, तो उस पर आप अगर इसे अप्लाई करेंगे तो ये सही जाग बनाएगा। और आपने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से जेंटली मसाज करते रहना है, उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना और आप देखेंगे कि आपके फेस पे कितनी ज़्यादा ग्लो और कितनी शाइन आई है। इसके साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स भी कम हो गए, अगर किसी को झुर्रियाँ हैं फेस पे तो वो भी कम हो जाएंगी। इसको रेगुलर यूज़ करेंगे आप, 1 वीक रेगुलर यूज़ करें तो आप अपने फेस पे शाइन देख के इसके रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर हक है, यानी इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ता के 7 दिनों में से एक दिन यानी जुम्मा के दिन गुसल करे। इसमें अपने सर के बालों को और सारे जिस्म को अच्छी तरह धोए। आई होप आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू माई यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफिज़।